डियर स्टूडेंट, क्लास 9th पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। यह 9th और 10th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके सामने एक चांदा रखा है, कभी ध्यान से देखा है आपने इसे? आप इस चांदे से कितने कोण खींच सकते हैं? इस चांदे से जो इसमें लिखी है गिनती 0 से 180 और दूसरी तरफ भी 0 से 180, यानी कि हम इससे 180 कोण खींच सकते हैं। अगर इसको हम पलटा दें तो हम कितने कोण खींच सकते हैं इससे? अब हम इससे 360 अंश तक 360 अंश तक के कोण खींच सकते हैं। तो अगर हम पृथ्वी को भी देखें, पृथ्वी में दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अगर हम इन ध्रुवों को रेखाओं से मिलाएं तो इन एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक रेखा मैंने ये खींची, ऐसे ही एक रेखा और, फिर और इस प्रकार हम पृथ्वी में 360 रेखाएं खींच सकते हैं। इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तो आप एक चांदा से पता कर सकते हैं कि एक गोल चीज में हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। पृथ्वी भी गोल है तो हम इसमें 360 रेखाएं खींच सकते हैं। इसी प्रकार अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हम ये देखते हैं, यहाँ से भी 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री अगर मैं यहाँ मान लूँ, और इस तरफ भी 180 डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा और 1 डिग्री ये। अगर इन दोनों रेखाओं को मिलाया जाए तो यह एक रेखा बनेगी और इसे 1 डिग्री कहा जाएगा। ये 1 डिग्री में मैंने एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार इससे ऊपर जाएंगे तो 2 डिग्री यहाँ से भी हम ले सकते हैं और 2 डिग्री यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये रेखाएं 2 डिग्री। इसी प्रकार 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो हम यहाँ टोटल 90 रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार हम अगर उत्तरी गोलार्ध में भी जाएं तो यहाँ भी हम 1 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 रेखाएं खींच सकते हैं। इन क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जबकि जो इससे पहले मैंने खड़ी रेखाएं खींची उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 प्लस 90, 180, 180 और 10 डिग्री। इस 0 डिग्री को भी हम मिला लें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। तो एक बार ये चांदे पर, चांदे या डी को जरूर देखें और कोशिश करें कि हर गोल चीज में हम कितने डिग्री तक रेखाएं खींच सकते हैं या कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, जबकि पर रेखा 1 डिग्री की होनी चाहिए। तो ये तो अक्षांश रे और देश